What's up everyone, welcome back to Review Unbox. और आज के एपिसोड में बेसिकली हम आपके लिए लेके आ रहे हैं Honor 8X का रिव्यू. सो प्लीज़ स्टे ट्यून रहें और वीडियो को एंड तक देखें. और इसके साथ साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल पे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि व्हाट वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट. और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और कुछ कन्फ्यूजन्स भी थी रिगार्डिंग गिव अवे, तो वो भी मैं क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में. ये माजरत के साथ बताना चाह रहे हैं आपको कि ये मोबाइल फ़ोन जो था ये गिव अवे के अंदर शामिल नहीं था. गिव अवे की वीडियो अगर आपने एंड तक देखी हो जो Honor 8X की थी, तो आपको पता होगा कि P20 लाइट का केस था एक 360 का, जो GKK की ब्रांडिंग के साथ आता है, वो बेसिकली हम लोग गिव अवे कर रहे थे. और किसी एक कंटेस्टेंट को बेसिकली जो विनर होगा उसको वो रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जो कमेंट करेगा हमारी वीडियो पे. किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना था, ये बेसिकली उसकी एंट्री के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए थी. इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विनर है वो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर देंगे, बिकॉज आपकी मेहरबानी की वजह से हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स को टच कर चुके हैं. तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, और जो भी व्यू करता है हमारी वीडियो को उसका बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ साथ 200 के सब्सक्राइबर्स को टच करने के बाद हम लोग इंशाल्लाह गिव अवे जो है वो अनाउंस कर देंगे, आप में से कोई एक लकी विनर होगा. और एंट्री के लिए आपने बेसिकली हमें सब्सक्राइब करना है और किसी वीडियो पर कमेंट करना है. सो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, और आपके जो फीडबैक कमेंट्स भी आ रहे थे उनको हम लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं. तो प्लीज़ हमें कमेंट करते रहा करें और हमारे चैनल को देखते रहा करें. तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, Honor 8X रिव्यू, लेट्स स्टार्ट. गाइज वेलकम बैक. और सबसे पहले जो बात हम लोग करना चाहेंगे बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन का जो स्टनिंग डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले आपको अवेलेबल है. प्लस 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है, यहाँ पर टॉल डिस्प्ले दिया गया है नॉच के साथ. और बॉटम पे एक टाइनी सी चेन है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है. और अगर प्रीवियस इसकी आइट्रेशन से कंपेयर करें Honor की, तो जो बॉटम चेन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वहाँ पर कोई Honor की ब्रांडिंग आपको नज़र नहीं आती. और टॉप नॉच की बात करें तो वो भी काफ़ी स्मॉल है अगर आप उसको कंपेयर करें नोवा 3i से हुआवे के. और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सिंगल कैमरा इसमें सेटअप यहाँ पे दिया गया है फ्रंट नॉच पे, तो इस वजह से ये नॉच जो है काफ़ी टाइनी है. सो गाइस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है, जो Honor की तरफ से क्लेम किया गया है, जो किसी हद तक एक एग्जैजरेशन तो है, बट इसकी जो बेजल्स हैं वो आप ऑलमोस्ट या स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कंपेयर कर सकते हैं आईफोन XS मैक्स के साथ. और किसी हद तक ये आईफोन को कॉपी तो नहीं कर रहा है. यहाँ पे आपको कोई 3D सेंसिंग सेंसर्स नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आपको नॉच जो है वो छोटी देखने को मिल रही है. अलबत्ता एक बॉटम पे चिन नज़र आ रही है, बट वो चिन जो है वो कंपेरेबल है किसी भी हाई एंड फ्लैगशिप के साथ. चाहे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं वीवो के नेक्स के साथ, या इवन फाइंड एक्स ओप्पो का जो है मोबाइल फ़ोन, उसकी भी चिन इतनी ही ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलती है. तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वहाँ पे कोई Honor की लोगो आपको देखने को नहीं मिलेगी, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपकी जो चिन्ह है वो नॉन एग्जिस्टेंट है. इसके साथ साथ बात की जाए तो स्क्रीन का जो साइज़ है वो 6.5 इंच का यहाँ पे दिया गया है Honor की तरफ से, जो कि काफ़ी ह्यूज है. सिंगल हैंडेड ऑपरेशन के लिए ये वैसे तो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, बिकॉज आपका जो वन हैंडेड यूजेज है वो काफ़ी हद तक एक लिमिट हो जाती है 6 इंचेस के बाद. बट यहाँ पे फिर भी क्योंकि साइड्स इसकी कर्व्ड हैं 2.5D ग्लास के साथ, और बैक जो है वो भी कर्व्ड ग्लास के साथ आती है, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरह आपके हाथ में ग्रिप कर लेता है. वन हैंडेड ऑपरेशन जो है वो किसी हद तक रिड्यूस्ड हो जाते हैं और आप इसको सिंगल हैंडेडली यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन के फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया गया है, जिसके अंदर AI फीचर्स रिकग्निशन, सीन रिकग्निशन भी आपको नज़र आ जाती है, देखने को मिल जाती है. प्लस यहाँ पे बोके इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं. और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन दी गई है, जो बेसिकली हुआवे के इमोटिकॉन्स हैं या इमोजीज़ हैं उनकी भी, तो आप वो भी सहूलत यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. और इसके साथ साथ बैक पे आपको एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाता है, जो कि AI फीचर्स के साथ आता है, और प्लस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी आपको बैक पे प्रोवाइड किया गया है Huawei की तरफ से. और इसके साथ साथ आपको बैक पे जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, ये बेसिकली अपग्रेड किया गया है, और बाकी जो आइट्रेशन थी प्रीवियस इसकी उससे ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिल रहा था और प्रीवियस इसके आइट्रेशन जो हैं जहाँ पे आपको 13, 12 और 16 का मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता था Huawei या Honor की तरफ से. सो बेसिकली ये जो कैमरा सेंसर है ये नया इंप्लीमेंट किया गया है Huawei की तरफ से या Honor की तरफ से, और अब ये रिसेंटली आपको Huawei Mate 20 लाइट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट में रिलेटिवली बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है.
इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प है और किसी तरह की वहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलती। पिक्चर क्वालिटी का हाई रेजोल्यूशन की है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं टॉप एंड मोबाइल फ़ोन्स के साथ या फ्लैगशिप फ़ोन के साथ भी आजकल। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर की वो अच्छी है कि नहीं, वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। तो बेसिकली आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अलबत्ता मेरे लिहाज से यहाँ पर 2 मेगापिक्सल की जगह पर अगर हमें 12 मेगापिक्सल का कोई और सेंसर देखने को मिल जाता ओनर की तरफ से या हुआवे की तरफ से, तो आई थिंक ये मोबाइल फ़ोन जो था वो किसी हद तक एक ब्रॉड ऑडियंस को अपेयर करता। मोबाइल फ़ोन के बैक की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कलर वेरिएशन देखने को मिल जाती है। हमारी मार्केट में रिलेटिवली 3 कलर्स के साथ लॉन्च हुआ है, रेड, ब्लैक और ब्लू। रेड की बात कर ली जाए तो वो आई थिंक नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा और थोड़ा सा लेट होगा एज़ यूजुअल जो ऑनर की या हुआवे की तरफ से है कि कलर्स हमें थोड़ा सा देखने को लेट लॉन्च देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो ब्लू और ब्लैक कलर आप देखने को मिल जाता है आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, उसके अंदर बेसिकली कलर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। टॉप पे बेसिकली एक बैंड या रिबन आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे ऑनर की ब्रांडिंग आपको दी गई है, एआई कैमरास के फीचर मेंशन किए गए हैं, प्लस यहाँ पे 2 कैमरा सेंसर्स और LED फ्लैश है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है बॉटम हाफ से तो जो कलर है वो थोड़ा सा वेरिएट हो जाता है। टॉप एंड पे अगर आप देखा जाए तो कलर थोड़ा सा मेट फील होता है और बॉटम पे जो है वो कलर थोड़ा ज़्यादा शाइनी है। यहाँ पे वही ग्लास इंप्लीमेंट किया गया है जो ऑनर 8 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया था। फर्स्ट 7 ग्लास की जो लेयर्स हैं वो इन्फ्यूज़ की गई हैं डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, तो जो कलर है वो डिफरेंट एंगल्स पे जब हिट करता है तो वहाँ पे कलर वेरिएशन पैदा करता है और कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आपको बहुत ज़्यादा शाइनी और शिमिंग लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ आपको बैक पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा रिलेटिवली फास्ट है बिकॉज यहाँ पे चिपसेट जो इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनर की तरफ से वो बेसिकली किरिन का 710 प्रोसेसर है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो बिल्कुल रिलेटिवली अभी न्यू आया है मार्केट में। और इसकी फर्स्ट वेरिएशन हमें Nova 3i के अंदर देखने को मिल रही थी और ये जो चिपसेट है इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंशन कर चुका हूँ। ये चिपसेट काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली फास्ट है और ऑन पार है अगर आप इसको कंपेयर करें इसके कंपटीशन के साथ जो स्नैपड्रैगन 660 है या स्नैपड्रैगन 636 के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो ये ऑन पार है उनके साथ और यहाँ पे आपको किसी तरह का लैग देखने को नहीं मिलता। इस चिपसेट के अंदर AI फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैवीली इंप्लीमेंट किए गए हैं ऑनर की तरफ से और हुआवे की तरफ से भी सेम चिपसेट हमें देखने को मिल रहा था Nova 3i के अंदर, और वहाँ पर भी जो AI फीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली इंप्लीमेंट किए गए थे। इस मोबाइल फ़ोन की जो ट्रेडमार्क है वहाँ पर भी आपको AI फीचर्स का नज़र आएगा, लोगो राइट नेक्स्ट टू ऑनर 8X की जहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। और 8X का मतलब ये नहीं कि मोबाइल आप किसी तरह से भी उसको आईफोन X के साथ कंपेयर कर सकें, बट रिलेटिवली यहाँ पे जो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं आईफोन के साथ, और ऑनर ने ये क्लेम भी किया है कि आईफोन से ज़्यादा बेहतर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और किसी हद तक ये बात आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जब मोबाइल फ़ोन को पर्सनली देखें तो इसकी जो नॉच है और जो बॉटम चेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। इसके साथ साथ गाइस बात की जाए इसके इंटरनल्स की तो मोबाइल फ़ोन जो है वो 4GB रैम और 128GB रोम के साथ आ रहा है। हमारी मार्केट में रिलेटिवली इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, यहाँ पे आपको 6GB देखने को नहीं मिलेगी ना 64GB देखने को मिलेगी। तो आपको ये मोबाइल फ़ोन जो है ये एक ही स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल है, होपफुली शायद रेड कलर जब लॉन्च हो तो शायद उसमें 6GB वेरियंट नज़र आ जाए देखने को या 64GB का जो वेरियंट है वो भी हमें देखने को मिल जाए। इस मोबाइल फ़ोन की जो मार्केट वैल्यू है वो बेसिकली जो इनवॉइस है वो 36,000 की यहाँ पे पाकिस्तान में आ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो आई थिंक ये मोबाइल फ़ोन जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने जा रहे हैं तो 36,000 से 40,000 की रेंज पाकिस्तानी रुपीज़ की रेंज अपने जहन में रखें। और इसी रेंज के अंदर आपको Nova 3i भी देखने को मिल जाता है जो थोड़ा सा रिलेटिवली इससे एक्सपेंसिव है, बट आई डोंट नो कि वो क्यों एक्सपेंसिव है, उसकी जस्टिफिकेशन हुआवे वाले किस तरह दे रहे हैं कि वहाँ पे आपको 4 कैमरास देखने को मिल जाते हैं, बट जो बैक कैमरे का सेंसर है वो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है बिकॉज यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का मिल रहा है, वहाँ पे 16 का मिल रहा है। यहाँ पे फ्रंट आपको 16 का मिल रहा है, वहाँ पे फ्रंट जो है 24 मेगापिक्सल का मिल रहा है, बट आई थिंक के सेल्फीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट दोनों की सेम कंपेयर आप कर सकते हैं और दोनों के अंदर AI फीचर्स दिए गए हैं तो सेल्फी आपकी इन्हेंस हो जाती है। तो आई डोंट नो कि वाई हुआवे वाले जो हैं वो जस्टिफाई किस तरह करेंगे Nova 3i को। प्लस यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा अच्छा इंप्लीमेंट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, और कंपेयर करें अगर Nova 3i के साथ और इस मोबाइल फ़ोन के जो
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जैसे मैं प्रीवियसली मेंशन कर चुका हूँ वो नोवा 3i से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज नोवा 3i की जो बॉटम चेन है वो काफ़ी ज़्यादा इससे कंपेयर करें तो ह्यूज है, और जो अपर उसकी जो नॉच दी गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मोबाइल फ़ोन जो है वो रिलेटिवली फास्ट है गेमिंग के अंदर, आप अगर इसको यूज़ करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम्स आपको प्रोवाइड कर देगा, एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है। EMUI 8.1 की स्किन यहाँ पे अवेलेबल है हुआवे की तरफ से, जो ऑनर की तरफ से जो इम्प्लीमेंट की जाती है इनकी डिवाइसेस के अंदर, और इसके अंदर एंड्रॉयड 8.1 का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे एंड्रॉयड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़र प्रेफरेंस पे होती है, बट आई थिंक के हुआवे का जो EMUI है वो काफ़ी ज़्यादा जो स्किन्स हैं कलर OS है या फन टच OS है वीवो का, इनके साथ अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्लीमेंट किया जाता है ऑनर की तरफ से या हुआवे की तरफ से, और क्लटर यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है सेटिंग्स में जाके अगर आप देख सकें तो। EMUI 8.1 के अंदर जो सेटिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया गया है और ज़्यादा क्लटर आपको देखने को नहीं मिलता। नॉच की बात कर ली जाए इस मोबाइल फ़ोन की तो आप हाइड कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके ऑब्वियसली, और आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है ये चीज़। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा मोबाइल फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। यहाँ पे फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास इंप्लीमेंट किया गया है ऑनर की तरफ से, लेकिन बैक ग्लास जो है वहाँ की एश्योरिटी नहीं दी गई कि वहाँ पे ऑनर की तरफ से क्लेम भी नहीं किया गया कि गोरिल्ला ग्लास है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास बैक पे भी इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनर की तरफ से, बट वो जो गोरिल्ला ग्लास है वो रिलेटिवली प्रीवियस जनरेशन का होगा, या तो गोरिल्ला ग्लास 3 होगा या 4 होगा। मोबाइल फ़ोन की जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और किसी हद तक गोरिल्ला ग्लास को रिजेंबल कर लेती है अगर आप उसको देखा जाए तो। पर्सनली मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया और आई थिंक कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये लोगों को काफ़ी अपील करेगा। और एक क्वेश्चन जो कमेंट्स में मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने मुझसे जो पूछा है वो बेसिकली यही है कि अगर वो मार्केट में रिलेटिवली न्यू है तो इस मोबाइल फ़ोन को अगर कंपेयर करें नोवा 3i के साथ या वीवो के V11 के साथ या ओप्पो F9 के साथ, तो आई थिंक ये मोबाइल फ़ोन जो है ये उन मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अच्छा है किसी हद तक। बट यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे देखने को मिली है वो फास्ट चार्जिंग के रिगार्डिंग है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड नहीं की गई ऑनर की तरफ से, लेकिन यहाँ पे आपको जो चार्जिंग है वो नॉर्मल जो चार्जिंग है उससे ज़्यादा थोड़ी सी फास्ट आपको कर देगी, चार्ज कर देगी मोबाइल फ़ोन को। बेसिकली यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जिंग जो है वो इंप्लीमेंट की गई है जो 10 वाट पे आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर देगी। तो 10 वाट की नस्बत मोबाइल फ़ोन जो है वो रिलेटिवली फास्ट चार्ज हो जाता है, और बैटरी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज दी गई है हमें ऑनर की तरफ से, तो बैटरी लाइफ का भी कोई इशू नहीं आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप कंपेयर करें वीवो या F9 के साथ तो आई थिंक ये मोबाइल फ़ोन जो है ज़्यादा अच्छा है, प्राइस भी कम है इसकी। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके यूज़र के प्रेफरेंस के ऊपर कि मोबाइल फ़ोन को किस तरह पसंद करते हैं। अगर आपको टीयर ड्रॉप नॉच पसंद आई है जो ओप्पो की तरफ से या वीवो की तरफ से इंप्लीमेंट की गई है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ऑनर 8 मैक्स जो कि कुछ मार्केट्स में लॉन्च हो रहा है, और हुआवे की तरफ से इंजॉय के नाम से भी वो लॉन्च किया जा रहा है। तो आई थिंक ये पाकिस्तानी मार्केट में शायद ऑनर 8X मैक्स के नाम से वो लॉन्च किया जाए, तो आप उसका वेट कर लें क्योंकि वहाँ पे आपको टीयर ड्रॉप नॉच मिल रही है, प्लस डिस्प्ले जो है वो बम्प अप करके 7.12 इंचेस का दिया जा रहा है ऑनर की तरफ से। बट वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है, 5000 की मिली एम पावर की बैटरी भी देखने को मिल रही है जो कि कैपेसिटी इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। और बट वहाँ पे जो है कैमरा रिलेटिवली डाउनग्रेड किया गया है इस मोबाइल फ़ोन के कंपेयर करें, और इंटरनल्स ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो ये था गाइज मेरा इसका इन डेप्थ रिव्यू, और बेसिकली मोबाइल फ़ोन जो है ये मुझे काफ़ी पसंद आया है और आई थिंक आप लोगों को भी काफ़ी अपील करेगा, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास नोवा 3i के लिए कैश नहीं है अवेलेबल, और या वो उससे कम सस्ता मोबाइल देखना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये एक प्राइस पॉइंट ऐसी है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस को सेटिस्फाई करेगा। इसके साथ साथ मैं ये वीडियो जो था ये बेसिकली मैं तब लेके आना चाह रहा था जब ये इंडिया में लॉन्च हो, इंडिया में रिलेटिवली 16 को लॉन्च किया गया है 14,500 की शायद प्राइस टैग के साथ, तो इंडिया के जो व्यूवर्स हैं वो भी देख सकते हैं इस बेसिकली इन डेप्थ रिव्यू को और डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने बेसिकली ऑनर 8X को लेना है या वो वेट करेंगे ऑनर 8X मैक्स का, या वो किसी और मोबाइल फ़ोन पर स्विच करेंगे। सो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, दिस इज़ इट, हसनैन अब्बास साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।